हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूके पीसीएस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। तो 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीन्स है वो क्या है। आपको ये पता होगा जीन्स क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, जिनको हम अल्टीमेटली जीन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर दूसरा बोल रहा है थैलेसेमिया होता है, जो हेरिडेटरी डिजीज है, वो किसको इफेक्ट करती है। आपको ये पता होगा जो थैलेसेमिया डिजीज है वो ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो मेनली इंपैक्ट करती है हमारे ब्लड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी की टर्म है, किसने और कब लॉन्च या कॉइन करी थी। तो आपको ये पता होगा, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पहले, प्रीवियस ईयर के कर रखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इजी का आंसर है, ठीक है। नोरियो तानिगुची जो है 1974 में इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करवाऊंगा, पहले आंसर बता देता हूँ, देहरादून इसका करेक्ट आंसर। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी पीसीएस एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो मेनली ये याद रखना, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूके पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, जहां पे कोई सिटीज की बात करी हो, तो मेनली कोई चीज अगर स्टैब्लिश हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट सिटी में होगी। जैसे एग्जाम्पल मान लो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, जैसे मान लो जो देहरादून हो गई, फिर हरिद्वार हो गया, ठीक है, और जैसे और भी जो जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज स्टैब्लिश भी करना होगा, कोई भी स्टैब्लिश करना होगा कोई चीज, तो ज्यादातर इन स्टेट्स है या इन जो टेरिटरी है इनसे रिलेटेड होगा। तो पीसीएस एग्जाम में इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो अपने अपने स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर आप रिसर्च कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन गाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन सी जो ग्रीन गैसेस हैं उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको फाइंड करिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ठीक है, क्लोरीन नहीं होती, ठीक है। अगर आप पहला ऑप्शन एलिमिनेट करें, ठीक है, क्लोरीन किस में यूज होता है, वाटर वगैरह को क्लीन जब हम करते हैं उसमें यूज होता है क्लोरीन, तो पहले को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आइए दूसरे पे, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, इथेन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है बट इथेन नहीं होती, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया इसी के कारण। फिर आइए तीसरे पे, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले में देख लेते हैं गलत क्यों क्या है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये यूज होता है एसिड रेन के लिए, ठीक है, ना कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है, तो ये इसीलिए ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो निकल कार्डियम है, इट इज जो बैटरी में यूज होता है, वो इनमें किस किस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे यूज जो है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैटल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में, सबके लिए ही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊंगा, देखिए पीसीएस एग्जाम में क्या होता है ना, 70 से, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 60 से लेकर 70%, जहां भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो, वहां पे आप, अगर आपको नहीं आ रहा, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई, और आप लाइन के इस या उस पार हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करके आया करो, क्योंकि 60-70% चांस होते हैं कि वो आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, बट सारी जगह नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव वाला, उसमें एक ऑप्शन सही है, ना कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये ध्यान रखा करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो चाइना है आपको पता होगा आर्टिफिशियल सन बनाने के फिरात में है, तो ये न्यूज में दोबारा से क्वेश्चन बनने का आसार है इसके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है, पहला बोल रहा है कि न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, ऑब्वियसली बात है। फिर जनरेशन इन स्टार नहीं पता, मान लो एग्जाम्पल, मान लो जनरेशन इन एनर्जी जनरेशन इन स्टार, मान लो आपको नहीं पता। फिर तीसरा बोल रहा है सोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली बात है चाइना इसीलिए तो चांद सूर्य बना रहा है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। फिर दूसरा बोल रहा है कि इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज इन एन ऑटम बॉम्ब, ठीक है, याद करिए जो हिरोशिमा और नागासाकी था, यही तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही तो डाले थे जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। जब तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है तो बी तो बचा, तो बी हमारा आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जो सेलुलोज एंड स्टार्च आर बोथ मेड अप ऑफ, आपको पता होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव ग्लूकोज होता है इसके बने होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल वेव्स, मतलब इसमें कौन सी मैकेनिकल वेव्स होती है। आपको पता होगा दो तरीके की वेव होती है, ठीक है, एक मैकेनिकल होती है और एक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कौन सी होती है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने यहाँ पे भी आपके लिए एक होमवर्क की तरह क्वेश्चन रखा है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो यहाँ पे बताइए मैकेनिकल वेव्स कौन सी है,
यहाँ पे साउंड वेव जो है हमारी मैकेनिकल वेव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो विस्कसिटी होती है, या फिर अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द टाइम पीरियड एवोल्यूशन ऑफ अ जियोमेट्री सैटेलाइट, मतलब क्या है कि एक जियोमेट्री सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्व करती है उसको एक पूरा अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो आपको पता होगा 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है वो, ठीक है? करेक्ट, समझ आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो टेफ्लॉन है किसका नाम है, ठीक है? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेनाइल जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉपर अलॉय होता है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है? आपको भी पता होगा ये ब्रास जो ब्रॉन्ज है इन दोनों से मिलकर कॉपर अलॉय बनता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रिक कंडीशन इन द सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, ठीक है? मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है? देखिए यहाँ पे नाइदर तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो आंसर होगा, बट यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, जहाँ पे ओनली लगा हो, ठीक है, ओनली वो चीज आप 80-90% चांस है कि वो गलत ही होगा, ठीक है? ये मेरा खुद का मतलब ऑब्जर्वेशन है, मैंने जहां तक सॉल्व करे पेपर्स, तो 80-90% जहां पे ओनली लगा होता है वो गलत होते हैं। तो यहाँ पे भी वही एप्लीकेशन करिए, यहाँ पे भी एलिमिनेट और यहाँ पे भी एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है? तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेड डेटा बुक है, आपको भी पता होगा ये आईयूसीएन निकालता है, ये इसमें स्पीसीज वगैरह को जो जैसे हो गया इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर, लीस्ट कंसर्न या थ्रेटन, ये सारी चीजें इसमें ही दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यही है आपका होमवर्क, ठीक है? यहाँ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन, मतलब क्या है कि आसान भाषा में समझाऊं, जो नेशनल पार्क है उसमें हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, एक्सीटो कंजर्वेशन, जीन पूल, इनसीटो कंजर्वेशन। आपको ये पता होगा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ही हम रह के चीज़ों को कंजर्व करते हैं, तो उसको इनसीटो कंजर्वेशन कहते हैं। फिर बोल रहा है फर्स्ट नेशनल पार्क, आपको भी पता होगा ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिम कॉर्बेट जो है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी इनमें से क्रॉप जो है पैरेलल ग्रो करी जाती है, मान लो क्रॉप वन और क्रॉप टू, इन दोनों का जो ग्रो करने का टाइम होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे भी आपको पता होगा जो वीट और मस्टर्ड होते हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? जो यूनिक्स रहता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बाकी के नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर, क्रैच मेमोरी, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? आपको पता होगा टेलीविजन जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम सिंपल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? मतलब मान लो यहाँ पे टेलीविजन चल रहा है और यहाँ से लोग हैं, जो मैसेज होता है डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसको हम सिंपल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? फिर बोल रहा है द सेट ऑफ प्रोटोकॉल डिफाइन ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, TCP/IP, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हार्डवेयर एंड सर्विसेज जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन डिड तेहरी स्टेट मर्ज विद द इंडियन यूनियन, मतलब क्या है कि जो तेहरी स्टेट है वो कब इंडियन के यूनियन के साथ मर्ज हुआ था? तो आपको पता होगा 1st अगस्त 1945 को ये मर्ज हुआ था इंडिया के यूनियन के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो महाभारत है नेम्ड वर द कुनिंदा किंग्स नोन एज, जो कुनिंदा किंग जो है महाभारत के द्वारा किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा जो सर्वश्रेष्ठ है इसके नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हिस्टोरिकल नेम ऑफ उत्तरकाशी, इट इज वेरी वेरी इजी आंसर, बराहाट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द किंगरी विंगरी नीति नामा, ठीक है? ये आपको पता होगा ये पासेस के नाम है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है? मैंने बता चुका हूँ आपका पासेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चिराग सेन है वो क्या खेलते हैं, ठीक है? आपको पता होगा बैडमिंटन खेलते ही। फिर जो मौना फेयर है वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पाली पचाऊ जनसुर रवाई, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तेहरी राज्य प्रजा मंडल है किसने फाउंड करी थी, तो अगर आपको ये पता है तो ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा ही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर देव सुमन जो है इन्होंने ये फाउंड करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ स्टैब्लिश हुई है, ठीक है? ये स्टैब्लिश हुई है
तमिलनाडु में, ठीक है, जरूर से याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच इवेंट दीपा मलिक वॉन द सिल्वर मेडल इन द रियो ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये मुझे कमेंट बॉक्स में दो, पर मैं भी बता देता हूँ, ये शूट पुट जो होता है इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नासास केसिन स्पेसक्राफ्ट ऑन द मिशन ऑन विच प्लैनेट, ठीक है, जो नासा का ये मिशन था, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था, ये था सैटर्न, क्योंकि ये देखिए 2016 में ना बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसके कारण ये क्वेश्चन बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द ईयर ऑफ कोलिजियन सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ जज अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द, मतलब क्या है कि जो कोलिजियन सिस्टम था, आसान भाषा में बताऊं, कोलिजियन सिस्टम था जज की अपॉइंटमेंट के लिए, वो कब अपॉइंट हुआ था, तो आपको पता होगा 1993 में ही अपॉइंट हुआ था। फिर इंडिया का लार्जेस्ट, जो सॉरी कंट्री का वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन के नेटवर्क किस कंट्री में है, तो आपको पता होगा चाइना यहाँ पे सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑनर्ड विद द यूएस नेशन ह्यूमैनिटेरियन मेडल विद इन 2015, ठीक है। देखिए मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन है फिजिशियन, जिनको यूएस नेशन ह्यूमैनिटेरियन मेडल के द्वारा अवार्ड किया था 2015 में, इनका नाम क्या है, ठीक है, आपको पता होगा अब्राहम वर्गीज, इनको कई बार वर्गीज मॉडल आपने पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, तो उन्हीं से ये रिलेट है, ठीक है, तो अब्राहम वर्गीज इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज हैज द डिस्टिंक्शन रेजिंग इन द फर्स्ट वुमेन बटालियन, ठीक है, अगर आपको वुमेन बटालियन के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तो ये आप बता सकते हैं, सीआरपीएफ जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहा है, कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इज अ कोलैबोरेशन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, ठीक है, आपको पता होगा जो कैलाश जो है, कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इंडिया चाइना नेपाल के बीच में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट प्राइवेट बैंक सेक्टर इन इंडिया टू यूज सॉफ्टवेयर ऑफ रोबोटिक, ठीक है, आपको पता होगा इनमें से अगर आप एक चीज भी निकाल लें कि जो आईसीआई है ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक का, तो यहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। फिर बोल रहा है कि द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम द ऑब्जर्व मार्केट इन रुपीज इज नोन एज, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मसाला बॉन्ड है, करेक्ट आंसर है। जब भी मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाना होता है, तो जो मसाला बॉन्ड होता है इसको लेके आ जाते हैं, ताकि जो मार्केट में मनी फ्लो या लिक्विडिटी जो है इंक्रीज हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल बैटरी एट द सी फ्रॉम द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर राधिका मेनन, ठीक है, ठीक है, इनका नाम जरूर से याद रखना, क्योंकि 2022 में अभी रिसेंटली जो कश्मीर फाइल्स आई है, जिसके कारण जो राधिका मेनन है बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है, तो इंडियन राधिका मेनन आपने नाम भी सुना होगा, तो इनके बारे में जरूर से पढ़ के जाना, यही आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इनके बारे में संभावना ज्यादा है क्वेश्चन आने की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2017 का जब रिपब्लिक डे हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट कौन था, तो आपको भी पता होगा जो क्राउन प्रिंस अबू धाबी है, वो 2017 में चीफ गेस्ट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बतुकम्मा जो है फेस्टिवल कहाँ का, देखा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि देखिए उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है भाषा, उड़िया, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, ठीक है, बट जो फेस्टिवल का नाम है थोड़ा आपको तमिल टाइम का नहीं लग रहा, अम्मा अम्मा, ठीक है, करके, तो तमिल कहाँ बोली जाती है, तेलंगाना में तो बोली जाती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये ऑटोग्राफी किसकी है, एस अगेंस्ट ऑड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, आपको पता होगा सानिया मिर्जा है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसको मिला था, तो जो उड़िया है इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया का चेयर जो है 2020 में है, वो सॉरी इंडिया जो चेयर है G20 का करेगी, वो कौन से ईयर में करेगी, मतलब G20 को इंडिया जो है चेयर करेगा कौन से ईयर में, 2018 में, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं जिम ओनेल हैं, वो क्या हैं, ठीक है, आपको ये पता होगा ये इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स जो वगैरह हैं इससे रिलेटेड है, इन्हीं ने ही याद करिए ब्रिक्स जो टर्म है इन्हीं ने कॉइन करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंडियन साइंटिस्ट है डिस्टिंक्शन रिसीविंग नॉट ओनली द नोबल प्राइज बट ऑल्सो भारत रत्न, ठीक है, मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिला है, तो आपको पता होगा जो जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सीवी रमन फाउंडिंग मेंबर में से थे इसरो के, तो यही करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गॉड ऑफ वॉर किसको कहा जाता है इन वैदिक पैथन,
आपको पता होगा जो इंद्र हैं इनको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगधा, तो आपको पता होगा महापद्मना जो है ये एक फाउंडर थे। फिर बोल रहा है जस्टिन जो थे एक ग्रीक राइटर थे, इन्होंने चंद्रगुप्त किसको बोला था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको बोला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो सेंटर है लर्निंग के लिए यूज नहीं हुआ था अर्ली मेडिवल पीरियड में, तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है, कई लोग बोलते हैं तक्षशिला भी और कई लोग बोलते हैं उदंतपुर, तो ये दोनों के दोनों ही करेक्ट, मतलब कंफ्यूजन था क्योंकि डिपार्टमेंट भी था जो कंफ्यूज था कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा डिबेट चली थी कि आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ कि दोनों ही थे, बट कौन सा आंसर सही है वो अपने आप पे अपने पर्सनल लेवल पे आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो न्याय फिलोसफी है वो किसने दी थी, आपको पता होगा गौतम जो बुद्ध हैं उन्होंने न्याय फिलोसफी दी थी। फिर जो हॉर्स शू है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, हॉर्स शू आर्क, मतलब देखिए आपने कभी ना घोड़े की नाल देखी है ऐसे ऐसे कल ऐसे होती है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस जो ऐसा स्ट्रक्चर है किसने कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था अलाई दरवाजा पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है Which of the following Sufi saint is known as Mehboob-e-Ilahi, मतलब कौन से सूफी सेंट को महबूब-ए-इलाही के नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनको बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री का, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान हु रेज लैंड रेवेन्यू टू 50% द प्रोड्यूस, मतलब क्या है कि कौन से सुल्तान थे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू था 50% बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैं मोहम्मद बिन तुगलक, इट इज वेरी इजी आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसको शान ए फतेहपुर बोला जाता है, तो ये भी थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना वो था डिबेट वाला क्वेश्चन, अगर आप गूगल करेंगे ना तो वहाँ पे आएगा जामा मस्जिद, पर जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ऑप्शन ए करेक्ट माना था, ठीक है, तो ये भी जरूर से याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु रोट तबाते अकबरी, ठीक है, तो तबाते अकबरी किसने लिखी थी, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तो बहुत इजी की कैटेगरी में रखूंगा कि जो खालसा है उसकी स्थापना किसने करी थी, आपको भी पता होगा सिख गुरु सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो इन्हीं ने इनकी खालसा धर्म की स्थापना करी थी। फिर बोल रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, अल्मीडा था इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इनिशिएट करी थी। तो फिर बोल रहा है कि जो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुई थी याद करिए, ठीक है, इन फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, ये इसमें कौन डिफीट हुआ था, ठीक है, मतलब फ्रेंच की जो कमांडर थे वो कौन थे उस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए का ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड से कब खत्म कर दी थी, तो यहाँ पे आपको पता होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी थी। फिर किसको बोला जाता है पायनियर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं, सर आर्थर कॉटन है इनको बोला जाता है इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया, ठीक है, पायनियर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।